बाहर वाली दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपका सिलेक्शन चाहते हैं। यस, बिलीव मी, बहुत कम। तो जब वो बहुत कम ऐसे लोग हैं तो उनकी बातों पे सर विश्वास ही क्यों करें फिर? सर आप कौन सा होमवर्क चेक कर लोगे? भैया होमवर्क तो चेक मैं नहीं करूंगा, चलो ठीक है, बट डेडिकेशन तो चेक हो रही है। और होमवर्क चेक होने से ज्यादा जरूरी डेडिकेशन चेक होनी है। और बिलीव मी, होमवर्क कंप्लीट करने का मजा अलग ही है, ठीक है? किसी की कॉपी देखकर, नेट से सॉल्यूशन देखकर नहीं टीपना है, खुद अपने हिसाब से फटाफट कि ये फॉर्मूला कहां सिखाया था, इसका सर ने क्या जवाब बताया था, इसको कैसे सॉल्व करूं। सोचोगे उतना ही ज्यादा सीखते जाओगे, समझ में आया? दिस इज नॉट अबाउट IIT JEE, मतलब दिस इज नॉट लाइक स्कूल बोर्ड्स, दिस इज अबाउट IIT JEE। स्कूल बोर्ड में तो यही होता था ना, हाँ सर 20 सवाल टीचर ने क्लास में करवा दिए, उनमें से कोई 10 पेपर में आएंगे, टीचर भी खुश हम भी खुश। बट सर यहां तो आप जितने करवा रहे हो, जितनी किताबें हम पढ़ रहे हैं, जितने सवाल हम देख रहे हैं, उनमें से कोई सा भी सवाल आपको रिपीटेड नहीं मिलेगा। हाँ आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो एक आधा सवाल कोई रिपीटेड मिल सकता है, वो भी सिर्फ JEE मेंस में, एडवांस में तो वो भी नहीं होगा। तो फिर तो सर सोचना पड़ेगा ना, और सोचने का एक ही मात्र तरीका है। कौन सा सोचना? तुम लोग तो सारा सोचना अपना उसमें लगा देते हो कि अब पढ़ाई करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, कौन सा शुभ दिन है, कौन सा अच्छा दिन है, वो वाला सोचना नहीं बेटा। सवाल सामने आने के बाद में जो सोचना होता है उसकी बात करो। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, किसी की भी बातों में मत आइए और ज्यादा मत सोचिए, ठीक है? यस, यही सब बातें, आपको अपना ध्यान खुद रखना है, बिकॉज बाहर वाली दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपका सिलेक्शन चाहते हैं। यस, बिलीव मी, बहुत कम। तो जब वो बहुत कम ऐसे लोग हैं तो उनकी बातों पे सर विश्वास ही क्यों करें फिर? इसीलिए बोल रहा हूं, प्लीज बी फोकस्ड, अपने आप पढ़ाई करते रहो और सवाल सॉल्व करते रहो। जितने ज्यादा आप सवाल सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट परमानेंटली आप फील करेंगे, समझ में आया?